स्वागत है आप सभी का एक फ्रेश वीडियो में। आज फिर मैं जा रहा हूँ सरगुजा सभांग की शान पिलखा पहाड़ में घूमने के लिए। यहाँ आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक ऐसा क्षेत्र जो इससे पहले आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो चलिए आपको बाकी का नज़ारा आगे जाकर रोड में दिखाता हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं पिलखा पहाड़ के नीचे वाला भाग में। मेरे पीछे साइड उधर आपको दिखाई तो नहीं देगा, वहाँ से हम चढ़ने वाले हैं ऊपर और जाने वाले हैं एक गुफा में। तो चलिए आपको बाकी का नज़ारा आगे जाके दिखाते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं पिलखा पहाड़ के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं, यहीं ऊपर हमें चढ़ना है आज। बाकी हमारे चारों ओर पखन ही पखन दिख रहे हैं। यहाँ का नज़ारा काफ़ी मस्त है और मेरे साथ मेरे दो दोस्त आए हुए हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं आज ट्रैकिंग करने। यहाँ ऊपर चढ़ने का कोई रोड नहीं है, हम अपने हिसाब से यहाँ पास रोड क्रिएट करेंगे और ऊपर जाके आपको ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे। यह आसपास खेती भी किया जाता है, पीछे देख सकते हैं काफ़ी सुंदर धान का खेत है जिसमें धान भी हुआ है मस्त। तू मेरे को मत दिखा, लोकेशन दिखाना, समझ गया। इसमें धान भी है और यहाँ धान कट के माल भी है। वो लोग मुझे चमका रहे हैं कि हमको कैमरे में ना लाना करके, बट कोई नहीं, हम उनको हाईलाइट जरूर करेंगे। आज भी गए थी क्या? कल सामने से लेकिन भाई फोटो बजे बजे को डाले एकदम, तो कहीं दिखे गांव वाले टाइप थोड़ी बहुत बड़ी है। तो भाई लोग आप लोग काफी अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, कृपया उस कमेंट को अपने पास ही रखें, फालतू कमेंट ना किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो कृपया प्लीज़ वीडियो ना देखें, बट कमेंट करके फालतू हमारा उत्साह खराब ना करें। ओए फोटोग्राफ, ये जो प्लेस देख रहे हैं ये काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ से हम ऊपर जाने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों पहले इन साहब का फोटो क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो दिखाते हैं। तो अभी हम चढ़ेंगे सांस फूलने लग गया है। हम थे वहाँ और अभी पहुँच चुके हैं यहाँ। तो दोस्तों हालत बहुत गंभीर हो चुका है, फिलहाल इस तौलिया के भरोसे हम नहीं जी सकते। कोरोना जय भाड़ में हम अब तौलिया उतारेंगे और मास्क हटाएंगे। जंगल में कोरोना, ये रहा चश्मा, ये रहा मास्क। बड़ा मजा आ गया, सुकून मिल गया दिल को, दिल को नहीं शरीर को। तो मेरे इस साइड है झरना जिसे हम खोजने आए थे, यहाँ दिखाइए सर थोड़ा सा। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत झरना है, बस यहाँ पानी का कमी हो गया। जिस दिन पानी आएगा ना उस दिन हम दोबारा यहाँ आएंगे शूट करने, उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ का सुंदर नज़ारा। तो चलिए अब हम आगे और पानी खोजने चलते हैं। तो दोस्तों ये भालू विचरण क्षेत्र है,
मेरे पीछे आपको मैं एक एंटिक चीज दिखाने वाला हूँ जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है। कन्हैया गुफा, यहाँ लिखा है जय श्री राम और इसके नीचे है गुफा। अब इसके अंदर हम घुसे तो नहीं है तो हमें भी पता नहीं है कि इसके अंदर है क्या। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, ऐसा चीज़ आज तक आपको अंबिकापुर में किसी ने दिखाया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। बाकी अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। इसके अंदर हम घुसने वाले नहीं हैं क्योंकि ये भालू विचरण क्षेत्र है, यहाँ रहते हैं बड़े बड़े भालू। आज सुबह के अखबार में छपा है कि एक भालू ने एक आदमी को मार दिया है, इसलिए हम रिक्स लेके अंदर नहीं जाने वाले। तो बहुत अंदर है अंदर, यहाँ इसको फोटो के इधर मूर्ति वूर्ति बनाया शिवलिंग, यहाँ पास बनाया गया है शिवलिंग। दिख उसमें देख, सामने देखो इसमें देख, कितना फर्क दिख रहा है। अरे भाई ये तो पूरा स्पष्ट दिख रहा है क्वालिटी, पता नहीं हम आंखों से दिख रहे हैं तो हमें यहाँ थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, बट कैमरे में यह काफ़ी क्लियर लग रहा है। इसके अंदर इधर काफ़ी बड़ा गुफा है और अंदर कुछ भी हो सकता है, बिना सेफ्टी के अंदर जाना सही नहीं है। हमारे पास लाइट भी नहीं है इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर की ओर निकल जाते हैं। जब खींचा वहाँ अंदर नहीं घुसे बोला, इतना बड़ा पहाड़ है इसे खोद के यहाँ गुफा बनाया गया है। एक टाइम पे यहाँ पर राम निवास करते थे ऐसा बोला जाता है। एक नंबर नज़ारा लग रहा है। यह रिफ्लेक्ट मस्त कर रहा है, मोबाइल से फोटो मस्त आएगा। किस चीज़ को भालू पूरा है, तो ये है भालू का मांद, यहाँ भालू कूड़ा है और वहाँ पास में पांच गो तितली है जो कि काफ़ी सुंदर दिख रही है। तो चलिए आपको मैं पहले वो तितली को दिखाता हूँ। फोकस नहीं हो रहा है, मस्त दिख रहा है तितली, देख भालू कौड़ी से आप देख सकते हैं ये पहाड़ इस पेड़ के भरोसे टिका हुआ है, अगर जिस दिन ये पेड़ टूटा तो ये पहाड़ बिगड़ जाएगा। इसको शूट करते करते तो मैं चकरा के गिर जा रहा हूँ। यहाँ से गिरा तो डायरेक्ट नीचे उधर खाई में, तो ये पहाड़ी इलाका है और गुफा है तो यहाँ पास मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है जो आपका दम घोट सकता है। यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है, मीथेन गैस से आदमी बेहोश भी हो सकता है। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और आगे कुछ और दिखाते हैं। ये देखिए अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ काफ़ी खतरनाक चीज़ है जो अंबिकापुर में इससे पहले आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ वो सुंदर नज़ारा, वो है गुफा। और यहाँ चमगादड़ बहुत है जो रो रहा है जिसकी वजह से हमारे दोस्तों की काफी ज्यादा फटी में पड़ी हुई है। बहुत गंदा मारता है। तो चलिए उस पर रोशनी दिख रही है, इसका मतलब आगे भी रास्ता होगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। छी बहुत गंदा मांग रहा है यहाँ चमगादड़, बहुत ज्यादा हक रहा है, भागो यहाँ से। ये क्या, हम रास्ते की उम्मीद में आ गए थे
रास्ता ख़त्म है, बट फिर भी हम आगे रास्ता बना के जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। यहाँ विदाउट लाठी का मत आना क्योंकि यहाँ भालू है। मेरे हाथ में नहीं है लाठी, बट पीछे दो बॉडीगार्ड हैं। ये देखिए दोस्तों मुझे क्या मिला है, ये जंगली अंगूर है, इसे खाने से आदमी मर जाता है, इसलिए हम इसे नहीं खाएंगे। यहीं पास में ना है, तो चलिए हमने एक और झरने का खोज किया है। इट्स मिरेकल, मिरेकल पता नहीं क्या है। वाह कितना मस्त झरने का खोज किया है, देख के एकदम मस्त मजा आ जाएगा आपको। अबे ऊपर चल तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ऊपर चल रहा हूँ ना, मेरे तो खुद पता दिख रहा है, ये है झरना, आवाज यही कर रहा है भाई। चलिए मैं आपको इसका आवाज सुनाता हूँ, एक ऐसी आवाज कर रहा है जिसे खोजते हुए हम आए थे यहाँ। भाग चलते हैं, उससे पहले आपको नीचे का भाग भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये इस साइड है नीचे का भाग जो कि सीधा खाई की तरह है और नीचे जाके गिर जाता है। आगे से तो चलिए आगे से रास्ता है, हमारे एक जवान ने उस रास्ते का खोज निकाला है। यहाँ एक एक चीज एंटिक एंटिक चीज है। अबे यहाँ से नहीं, आगे और। देखिए इस टाइप से, इसमें अब क्या निवास करता है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट है एक एक नंबर का चीज। एक्चुअली मैं मोबाइल से वीडियोग्राफी या कैमरे में इसको दर्शा नहीं सकता क्योंकि कुछ चीज़ों की ब्यूटी ना कैमरे में नज़र नहीं आती और आंखों से जो दिखता है वो क्या बोले, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। बाकी यहाँ का नज़ारा वाकई बहुत मज़ा आया देखने में। एक बार अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो जरूर ग्रुप में यहाँ पर ट्रैकिंग करने जरूर आ सकते हैं, आपको भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। हमारे सेकंड दोस्त ने भी तारीफ किया, तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, कमाल का जगह है बोल दिया, अब हम उस कमाल की जगह में जाना जरूर चाहेंगे। वाकई दोस्तों ये काफ़ी कमाल का जगह है, हम आपको जरूर इस जगह को दिखाना चाहेंगे, तो देखने के लिए रेडी हैं। एक दो तीन, ये देखिए ऊपर से पानी गिरता है, हालांकि अभी बरसात का सीज़न नहीं है इसलिए, अगर बरसात का सीज़न होता तो ऊपर से पानी गिरता है वो कितना तगड़ा लगता है। काफ़ी खतरनाक जगह है, वाकई मज़ा गया यहाँ आके। यहाँ पहले एलियन रहा करते थे, अब वो यहाँ एकत्र भालू है, फिर क्या आप आएँ तो संभल कर। तो दोस्तों ये भालू क्षेत्र है, इसमें मैं आपको पहले से वार्निंग दे दूँ, अपने साथ लाठी अवश्य धरें, अपने से बड़ा जिसे आप चला सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही वीडियो रहेगा, हम नाश्ता करते हैं और इसके बाद घर चलते हैं, ये फाइनल है, बाय बाय। तो चलिए टाटा बाय बाय, आई लव यू।